नमस्कार दोस्तों, सन्यासी एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग जो है आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, आप तो ठीक ही है तबीयत हमारी। तो लगातार सेशन पॉलिटी का चलेगा, तो हम लोग पॉलिटी के सेशन में आज जो है नीति निर्धारक तत्व के अंतर्गत गांधीवादी सिद्धांत जो है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो गांधीवादी सिद्धांत में जो है हमको लगता है कि लगभग पूरा हो चुका है गांधीवादी सिद्धांत का। तो इसमें जो एक दो चीज़ें बची हैं, जैसे प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षण की बात देने की बात हुई, प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण और ऐतिहासिक जो स्मारक स्थल हैं उनके संरक्षण की बात है। तो इन सब चीज़ों का जो है अनुच्छेद 49 के अंतर्गत चर्चा की गई है। नीति निदेशक में जो है गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत अनुच्छेद इसमें अनुच्छेद 49 में कहा गया है कि जो देश की धरोहर है, स्मारक स्थल है, उनके सबके संरक्षण की बात है। कलात्मकता एवं ऐतिहासिक रुचि के स्थानों को जो है इसमें संरक्षण दिया जाएगा। स्मारक स्थल कलात्मक रुचि आदि, जो कलात्मक रुचि वाले या ऐतिहासिक रुचि के स्थान है या ऐतिहासिक रुचि वाले स्थानों का संरक्षण राज्य करेगा। यानी राज्य का यह कर्तव्य होगा कि जो भी स्मारक स्थल है, ऐतिहासिक रुचि वाले स्थल हैं और जो भी जो है कलात्मक रुचि वाले, जो भी ऐसे राष्ट्रीय महत्व के जो स्थल हैं उनका क्या करेगा, उन स्थानों का जो है वो संरक्षण करेगा। ऐसा जो है राज्य का कर्तव्य बताया गया है। और इसमें अनुच्छेद 48 का के अंतर्गत क्या कहा गया है कि जो पर्यावरण संरक्षण की बात है, पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के लिए पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए भी राज्य आवश्यक कदम उठाएगा। यानी जो पर्यावरण से संरक्षण से संबंधित है, वन्य जीवों के संरक्षण की बात है, तो इनके संवर्धन एवं संरक्षण के लिए क्या होगा, राज्य सरकार कदम उठाएगा। ऐसा जो है राज्य सरकार का कर्तव्य है। अब इसमें जो पशुपालन से संबंधित है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं। तो पशुपालन से संबंधित जो भी है, अब इसके बाद गांधीवादी सिद्धांत के अंतर बाद आता है जो एक कह सकते हैं कि सामान्य सिद्धांत। तो सामान्य सिद्धांत में कौन कौन से हैं, तो सामान्य सिद्धांत में हम लोग चर्चा करेंगे सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले बात करेंगे अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता की बात होती है तो समान नागरिक संहिता की चर्चा आजकल अखबारों में राजनेताओं के मुंह से बहुत सारी होती है। तो समान नागरिक संहिता है क्या, यानी जो इसमें जो है समान नागरिक संहिता की बात है, तो समान नागरिक संहिता के अंतर्गत किसी के साथ तो कोई भी प्रकार की जो है विधि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा और ना ही विधि के आधार पर लैंगिक भेदभाव होगा, ना जातीय भेदभाव होगा,
तो इस वजह से क्या कहा गया है कि समान नागरिक संहिता के अंतर्गत यानी ऐसी विधि बनाई जाएगी जो भारत के सभी लोगों पर समान रूप से लागू होगी। तो इसमें जो है समान नागरिक संहिता पर जो है पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा जो है इसमें संशोधन करवाया गया था। तो इसमें जो है संशोधन करवा के इसको जो है वो मुस्लिम का जो 3 तलाक का प्रतिबंध का मैटर है इसको उस समय जो है छूट दी गई थी। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई उसमें कहा गया कि जो ये 3 तलाक है, ये 3 तलाक यानी एक झटके में 3 तलाक जो है इसको प्रतिबंधित किया गया कि कोई भी सोते जागते उठते बैठते कैसे भी तीन तीन बार तलाक तलाक कर दिया तो उसका जो है तलाक हो जाता था। तो इससे जो है इसमें मुक्ति मिली हुई है और इसमें जो है इसके इससे छूट मिली हुई है, यानी कोई भी व्यक्ति इस तरीके से दुर्भावनापूर्ण तरीके से किसी को जो है मुस्लिम व्यक्ति हो या फिर चाहे जो भी हो तो उसमें जो है तलाक नहीं दे सकता है। अभी ये साहबानों का केस जो है बहुत सायराबानों का केस जो है क्या हुआ था इसमें बहुत चर्चा में था। ये साहबानों केस में था, पहले साहबानों केस था, ये सुप्रीम कोर्ट में था। तो समान नागरिक संहिता की उत्पत्ति हुई यहाँ पर और उसके बाद जो है इसी में है जो 3 तलाक का मैटर आया इसी के अंतर्गत 3 तलाक को प्रतिबंधित किया गया, प्रतिबंधित। तो 3 तलाक को जो प्रतिबंधित किया गया ये वाला मैटर सायरा बानो केस में था, सायरा बानो केस। ये सायरा बानो का केस है, इस सायरा बानो के केस में जो है 3 तलाक को प्रतिबंधित किया गया। अब इसमें अगला जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45 के अंतर्गत ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये बहुत बार प्रश्न जो है एग्जाम में आ चुका है। तो अनुच्छेद 45 के अंतर्गत क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 45 के अंतर्गत 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को जो है वो शिक्षा तथा पोषण की व्यवस्था कौन करेगा, राज्य सरकार करेगा, करेगी यानी राज्य करेगा, राज्य 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के पालन पोषण तथा निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करेगा। यानी राज्य का यह कर्तव्य होगा कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का जो है उनके पालन पोषण की व्यवस्था करें तथा निःशुल्क प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की व्यवस्था करें। तो इसमें जो है पालन पोषण के अंतर्गत जो है जो आजकल मिड डे मील का प्रोग्राम चलता है तो मिड डे मील का प्रोग्राम जो है इसी के अंतर्गत चलाया जाता है कि इसके इनके जो है पालन पोषण की जो है चिंता भी राज्य सरकार करेगी, यानी सरकार करेगी, राज्य करेगा, ऐसा इसमें कहा गया है। अनुच्छेद 50 के अंतर्गत जो है अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 में जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों सॉरी न्यायपालिका और कार्यपालिका के संबंधों की बात की गई है। इसमें कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण, इसमें जो है पृथककरण की बात की गई है, यानी कार्यपालिका के कार्यों को अलग तरीके से संदर्भित किया गया है और न्यायपालिका के क्या क्या कार्य होंगे, क्या कर्तव्य होंगे उनके बारे में बात की गई है। तो न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र इकाइयां हैं और दोनों का अपना अपना अलग अलग कार्य है, ना तो न्यायपालिका में कार्यपालिका हस्तक्षेप करती है। हाँ, कार्यपालिका के जो दिए गए निर्णय है उसमें न्यायपालिका जो है उसका पुनर्विचार कर सकती है। तो इसमें जो दायरा दिया गया है कि न्यायपालिका का दायरा कहाँ तक है और कार्यपालिका का दायरा कहाँ तक है, ये सारी चीजें इसमें अनुच्छेद 50 के अंतर्गत दी हुई है। एक अनुच्छेद इसमें अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत के अंतर्गत आता है, अंतर्राष्ट्रीय
सिद्धांत। अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत, इसके अंतर्गत एक अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 51 में कहा गया है कि ये अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए भारत की विदेश नीति से संबंधित मार्गों को मार्ग का जो है प्रतिपादन करेगा, यानी भारत की विदेश नीति तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की अभिवृद्धि के लिए ये सिद्धांत बनाएगा। यानी राज्य का यह कर्तव्य होगा कि भारत तथा भारत से अन्य जो विदेशी राज्य हैं या विदेशी देश हैं, उनसे क्या है कि उनसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या संबंध होगा, उनकी नीतियां क्या होंगी, किसी देश के खिलाफ भारत की नीतियां क्या होंगी, इसके संबंध में जो सिद्धांत बनाए गए हैं अनुच्छेद 51 के अंतर्गत ही राज्य सरकार इन सिद्धांतों का प्रतिपादन करेगी या सिद्धांतों को लागू करेगी। तो अब इसमें आता है, ये तीनों सिद्धांत तो खत्म हो चुके हैं, इसके अंतर्गत कुछ जो है महत्वपूर्ण तथ्य हैं इन केस के अंतर्गत, जो मूल अधिकार और नीति निर्धारक तत्व के अंतर्गत केस हैं कुछ, उनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए जो है इनको जानना आवश्यक है। तो इसमें जो मुख्य बातें हैं उसमें जैसे कह सकते हैं कि मूल अधिकार में संविधान जो है संशोधन करने का जो सर्वप्रथम प्रश्न आया था वो किसमें आया था, तो इसमें ऐसे इम्पॉर्टेंट करके डाल लेते हैं। इसमें हम लोग पहले डालते हैं महत्वपूर्ण तथ्य के अंतर्गत हम लोग पहला डालते हैं, तो जो मूल अधिकारों में संशोधन का सर्वप्रथम प्रश्न आया था, यानी मूल अधिकार में संशोधन का पहला मामला जो आया था तो इसमें आया कौन से वाद ने था, वो क्या था, शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार 1951। शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत संघ 1951 का मामला था, यानी 1951 में जो है ये शंकरी प्रसाद के मामले में पहला मूल अधिकार में संशोधन की बात आई। तो 1951 में जो इसमें कहा गया, क्या कहा गया कि जो भारत का भारतीय संविधान का भाग 3 है, अर्थात मूल अधिकार में जो है वो संशोधन किया जा सकता है। तीनों ने क्या कहा कि संशोधन किया जा सकता है। इसमें जो भाग तीन में जो है संशोधन किया जा सकता है, शंकरी प्रसाद और वर्सेस भारत संघ के मैटर में ऐसा कहा गया। तो ये पहला मैटर था जब मूल अधिकार में संशोधन से संबंधित कोई मामला यानी कोई विवाद सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था। मूल अधिकार में संशोधन का दूसरा जो मामला आया था वो सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के मामले में आया था। दूसरा क्या था, दूसरा विवाद मूल अधिकार में संशोधन से, दूसरा जो विवाद था वो कौन था कि वो था सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, यानी सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य का मैटर 64-65 का है। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य,
राजस्थान राज्य के मैटर में 1964 और 65 के आसपास का मैटर है। इस मैटर में भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, यानी जो है ये जो मैटर आया था सज्जन सिंह मनाव राजस्थान राज्य का, ये जो है 17वें संविधान संशोधन के जो है खिलाफ आया था, 17वें संविधान संशोधन के खिलाफ था, ये खिलाफ था इस 17वें संविधान संशोधन के खिलाफ। तो इसमें का क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि भारतीय संसद भाग तीन में संशोधन कर सकती है। यानी ये जो 17वें संविधान संशोधन की वैधानिकता को जो है चुनौती दी गई थी, उसमें जो है क्या कहा गया कि मूल अधिकारों में जो है संसद संशोधन कर सकती है, यानी किसी भी मूल अधिकार को जो है वो संशोधित कर सकती है, संसद को ये अधिकार है। तो इसमें जो है अगला मैटर जो आया, अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है, इसमें एक केस हुआ था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के मामले में। तो इसमें जो गोलकनाथ का मैटर आया था, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य 1967 का मैटर था। इस 1967 के मैटर में क्या कहा गया कि जो है 1967 के मैटर में 67 के मैटर में, इसमें जो है जो संशोधन किया गया था अब तक, उस संशोधनों को चुनौती देते हुए यह कहा गया कि इसमें जो है जो मूल अधिकारों में संशोधन का अधिकार है वो क्या है। इस मैटर में कहा गया कि भाग तीन में संसद को संशोधन का अधिकार नहीं है। यानी इसमें पहली बार यह कहा गया, यानी 11 जजों की जो खंडपीठ बैठी, 11 जजों की खंडपीठ जो बैठी, उस खंडपीठ ने क्या कहा कि जो है भारतीय संविधान के भाग तीन में के जो है पार्ट में जो है संशोधन करने का अधिकार वो भारतीय संसद को नहीं है। और ये गोलकनाथ मैटर जो आया था ये 24वें संविधान संशोधन के खिलाफ आया था, 24वें संशोधन के विरुद्ध आया था। इस विरुद्ध में, इस 24वें संविधान संशोधन में क्या कहा गया था कि जो है संसद जो है वो भारतीय संविधान के भाग तीन के किसी भी, यानी भारतीय संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की हकदार है। तो ऐसा जो मैटर आया तो इसके खिलाफ एक वाद दायर हुआ गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में। यानी इस मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, कौन सा निर्णय, सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि भाग तीन में संसद जो है वो संशोधन, यानी भाग तीन में संशोधन करना, उसके लिए मूल अधिकारों में संशोधन करना यानी कटौती करना, ये संसद का अधिकार नहीं है। तो पहली बार जो मूल अधिकारों में संशोधन नहीं करने की बात कही गई वो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में कही गई। नवंबर 1971 में संसद ने संविधान में 24वां संशोधन किया और इसके द्वारा प्रावधान किया गया कि संसद मूल अधिकारों में से किसी भी इच्छा अनुसार जो भी इच्छा होगी संसद जो है वो संशोधन कर सकती है। यानी इसके बाद ये मैटर आया, तो ये मैटर आया तो कहा गया कि 24वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है संसद मूल अधिकार में, अधिकार के किसी भी भाग में, यानी मूल अधिकार के किसी भाग, या कह लीजिए कि भारतीय संविधान के किसी भी भाग में, संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। यानी 24वें संविधान संशोधन द्वारा
ये संसद को अधिकार दिया गया कि वो अब भारतीय संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, या और इसमें जो है एक शब्द और जोड़ दिया गया जो कि आज तक इसमें जुड़ा हुआ है, इसी 24वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को संविधान संशोधन के मामले में अनुमति देना बाध्यकारी कर दिया गया। यानी जो है अब संविधान संशोधन के किसी भी विधेयक के मामले में राष्ट्रपति अपनी मंजूरी देगा ही देगा, यानी वो मंजूरी को जो है किसी भी वीटो के माध्यम से वो रोक नहीं सकता है। यानी अब वो किसी भी तरीके से राष्ट्रपति को संविधान संशोधन का ऐसा कोई विधेयक जो उसके पास जाता है अनुमति के लिए, तो अनुमति देने से वो इनकार नहीं कर सकता है और ना ही किसी प्रकार के वीटो का प्रयोग कर सकता है। तो इस तरीके से जो है राष्ट्रपति की शक्तियों को जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि सीमित करने का प्रयास किया गया इस मैटर में। तो इसमें जो है ये सारा निकल कर आया। अभी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और भी हैं जिसको बताया जा रहा है। तो इसमें राष्ट्रपति के मैटर में जो है ये सारी चीज़ें लागू कर दी गई, और तब से आज तक राष्ट्रपति के मैटर में ये सारी चीज़ें लागू हैं कि संविधान संशोधन के मामले में और धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति अब अनुमति रोक नहीं सकता है। यानी इन दो मैटरों में जो है राष्ट्रपति को अनुमति देनी ही होगी। यानी राष्ट्रपति यदि संसद का अभिन्न अंग है तो इन दो मैटरों को जो है वो अपने पास रोक नहीं सकता है। इन दोनों मैटरों में, यानी संविधान संशोधन के मैटर में और वित्त विधेयक यानी धन विधेयक के मैटर में, क्या है कि वो जो है अनुमति देगा ही देगा। अब इसमें जो 25वें संविधान संशोधन द्वारा 31 अनुच्छेद 31 में एक नया उपखंड सी जोड़कर यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 39 के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए, यानी जो अनुच्छेद 39 के अंतर्गत जो कह सकते हैं कि अनुच्छेद 39 में जो ये कहा गया है कि राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा जो स्त्री पुरुषों के लिए जो है वो समान कार्य समान दशाओं और समान वेतन की व्यवस्था करेगा, इन सब चीज़ों को लागू करने के लिए यदि कोई कानून बनाती है संसद तो उक्त कानून को जो है इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31 के किसी भी मूल अधिकार का वो हनन करता है। यानी अनुच्छेद 31 सी में जोड़ करके व्यवस्था की गई। अब इसे 25वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया कि अनुच्छेद 31 में 31 सी जोड़कर यह व्यवस्था दी गई कि संसद द्वारा अनुच्छेद 39 के संबंध में अनुच्छेद 39 के प्रावधानों के संबंध में, यानी प्रावधानों को लागू करने के संबंध में ऐसा कोई कानून बनाती है तो उसे इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह कानून मूल अधिकार के अनुच्छेद 14, 16 तथा 31 का उल्लंघन करती है।
यानी इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है अनुच्छेद 29 को लागू, अनुच्छेद 39 को जो है लागू कराने के संबंध में राज्य ऐसा कोई कानून बनाती है जो जो है उस कानून को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि मूल अधिकार के अनुच्छेद 14 यानी समता का अधिकार, अनुच्छेद 16 एवं जो है जो इसमें जो है नौकरी एससी एसटी आरक्षण की बात है और अनुच्छेद 31 के जो है का उल्लंघन करती है, तो इस आधार पर उसको जो है चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसमें जो है पहली बार कह सकते हैं कि अनुच्छेद संविधान के जो है 24वें संशोधन द्वारा क्या किया गया कि संसद की सर्वोच्चता को स्थापित करने का प्रयास किया गया, जबकि 25वें संविधान संशोधन द्वारा क्या क्या किया गया कि पहली बार न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को भी सीमित करने का प्रयास किया गया है। यानी आप इन 24वें और 25वें संविधान संशोधन द्वारा यह समझ सकते हैं कि जो 24वां संविधान संशोधन है तो 24वें संविधान संशोधन के द्वारा संसद की सर्वोच्चता यानी संसद सर्वोच्च है इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया और इस चीज को जो है स्पष्टली जो है इसमें कहा भी गया। तो उसके बाद जो है ये जो है 24वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया, जबकि 25वें संविधान संशोधन द्वारा जो ये 25वां संविधान संशोधन किया गया है इसके द्वारा 14, 16 और 31 अनुच्छेद 14, 16 और 31 को जो है रिव्यू के यानी अनुच्छेद 39 के लागू कराने के संबंध में इसके रिव्यू की बात जब आती है तो इसमें जो है पहली बार न्यायपालिका के पुनर्विलोकन की शक्ति को जो है एक बार सीमित किया गया है। तो न्यायपालिका के पुनर्विलोकन की शक्ति जो है असीमित है, हालांकि उसकी भी एक जो है संवैधानिक सीमाएं हैं, तो संवैधानिक सीमा के अंतर्गत रह करके पुनर्विलोकन जो है किया जाता है, तो उस शक्ति को जो है 25वें संविधान संशोधन द्वारा कहीं ना कहीं सीमित करने का प्रयास किया गया, सिकोड़ने का प्रयास किया गया है, छोटा करने का, उसकी न्यायपालिका के दायरे को छोटा करने का प्रयास किया गया है। ये जो है भारतीय संविधान के अतीत में जो है ये सारी चीजें ये घटनाएं घटी। अब इसमें जो मूल इसमें जो पहला वाद जो बड़ी पीठ संवैधानिक पीठ बैठी भारतीय संविधान में जो है मूल अधिकारों से और इसमें संबंधित जो विवाद था, तो मूल अधिकारों से संबंधित जो विवाद उत्पन्न हुआ उसमें पहली जो संवैधानिक पीठ बैठी बड़ी पीठ उसमें कह सकते हैं कि केशवानंद भारती बना केरल राज्य 1973 के मैटर में। तो केशवानंद भारती वर्सेस भारत संघ 1993 मैटर में, इसमें जो है 1973 के मैटर में क्या हुआ कि इस वाद में जो है क्या कहा गया कि जैसे 24वें 25वें संविधान संशोधन की बात हुई तो वो इसमें जो है 24वें 25वें और 29वें संविधान संशोधन के की संवैधानिकता को यानी जो न्यायपालिका की पुनर्विलोकन की शक्ति थी उसको सीमित करने के संबंध में जो भी कानून बनाए गए थे संसद द्वारा, तो उसके संबंध में क्या हुआ कि केशवानंद भारती जो है वो एक कह सकते हैं कि संविधानविद थे और ये जो है इन्होंने क्या किया कि एक केस दायर किया जिसमें ये जो है उसकी संवैधानिकता की चुनौती यानी 24वें 25वें और 29वें संविधान संशोधन के संवैधानिकता की चुनौती दी गई, यानी 24वें 25वें तथा 29वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई। तो इस मैटर में जो है सबसे पहले जो सबसे बड़ी पीठ बैठी थी इसमें 13 सदस्यीय संविधान पीठ जो बैठी थी इसने जो है निर्णय ली, सबसे बड़ी कह सकते हैं, अब तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ बैठी जिसने जो है बहुमत से इसमें निर्णय लिया और इसमें बताया कि गोलकनाथ के मामले में जो निर्णय दिया गया था, गोलकनाथ के मैटर में क्या निर्णय दिया गया था कि गोलकनाथ के मैटर में जो कहा गया है कि मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है, तो यानी जो मूल अधिकारों में संशोधन का मैटर है वो क्या किया कि उसको पलट दिया, यानी गोलकनाथ के निर्णय में जो दिया गया था गोलकनाथ वर्सेज
भारत संघ, इसमें गोलकनाथ बना पंजाब राज्य में जो है, पंजाब राज्य के मैटर को के मामले में दिए गए निर्णय के विरुद्ध निर्णय दिया, विरुद्ध यानी आखिरी मैटर जो है वो गोलकनाथ बना पंजाब राज्य का था, तो इसमें कहा गया था कि मूल अधिकारों में संशोधन संसद नहीं कर सकती है, तो इसके विरुद्ध जो है निर्णय ये पंजाब जो है इसमें केशवानंद भारती बनाम जो है केरल राज्य में आया, भारत संघ लिख दिया क्या, केरल राज्य, ये जो है केरल राज्य का मैटर है, तो इसमें जो है 13 सदस्यीय संविधान पीठ बैठी और गोलकनाथ के मैटर को जो है पलटते हुए इसने निर्णय दिया कि भारतीय संविधान को, भारतीय संसद को जो है यह शक्ति है कि वो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, यानी ये जो 25वें 24वें 25वें 29वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई थी उसमें जो है 13 सदस्यीय पीठ ने क्या किया कि गोलकनाथ के मैटर को, यानी गोलकनाथ के मैटर में यह दिया गया था कि जो है संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है, तो इसके निर्णय को जो है केशवानंद भारती के निर्णय में पलटते हुए कहा गया कि भारतीय संसद को अधिकार है कि वो भारतीय संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है बशर्ते कि उसके मूल ढांचे को बनाए रखते हुए, यानी मूल ढांचे की जो अवधारणा है वो किस मैटर की है, वो केशवानंद भारती के मैटर की, यानी मूल ढांचे की संरचना की बात की गई बात की, और इसमें जो है गोलकनाथ के मैटर के विरुद्ध इसमें जो है केशवानंद भारती के मैटर में जो है दिया गया, तो इसके आधार पर क्या किया गया कि 42वां संविधान संशोधन 1976 जहां एक ओर संसद की संविधान में संशोधन की शक्ति को असीमित कर दिया, वहीं दूसरी ओर संशोधन को न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया, यानी 42वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक संशोधनों में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को समाप्त कर दिया गया, यानी संविधान संशोधन के मैटर में जो है इसमें क्या कहा गया कि ये यहाँ तक आया कि केशवानंद मूल ढांचे की अवधारणा जो है ये इम्पोर्टेंट चीज है, मूल ढांचे की अवधारणा, मूल ढांचे की संरचना की बात जो की गई है वो केशवानंद भारती के मैटर में की गई है, यानी केशवानंद भारती के मैटर में कहा गया कि संविधान में संसद संशोधन किसी भी भाग में कर सकती है लेकिन उसके मूल ढांचे को बनाए रखते हुए, और मूल ढांचे की को अगर जो है डिफाइन करने की बात है तो मूल ढांचे को उस समय संसद भी क्या नाम के सुप्रीम कोर्ट भी डिफाइन नहीं की है, उसने कहा कि समय समय पर हम मूल ढांचे की परिभाषा यानी मूल ढांचे की अवधारणा को स्पष्ट करते रहेंगे जैसे जैसे आवश्यकता होगी, उस हिसाब से वो मूल ढांचे को संशोधन जो है मूल ढांचे की अवधारणा दी थी। अब इसके बाद आता है 42वें संविधान संशोधन की बात, तो 42वें संविधान संशोधन में जो है एक महत्वपूर्ण चीज जो की गई, हम एक चीज और भी जानते हैं कि 42वें संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन जो है वो भारतीय संविधान का सबसे लंबा संशोधन था, यानी सबसे बड़ा संशोधन कह सकते हैं कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान संशोधन 1976 इस 1976 के मैटर में जो है ये कहा गया कि जहां एक ओर इसमें जो है संसद की शक्ति को असीमित कर दिया गया, यानी संसद की संशोधन की जो शक्ति थी, संशोधन की शक्ति को असीमित कर दिया गया, वहीं दूसरी ओर क्या कहा गया कि जो है ये जो है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को जो है न्यायपालिका की न्यायिक पुनर्विलोकन न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को सीमित कर दिया गया सीमित
कर दिया गया। सीमित क्या कर दिया गया, समाप्त ही कर दिया गया, क्योंकि जब जो है संविधान संशोधन के मैटर में, संवैधानिक संशोधनों के मैटर में जो है न्यायपालिका अगर जो है न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं कर सकती है तो क्या होगा कि इस मैटर को जो है पूरा पूरी तरीके से कह सकते हैं कि संसद जो है जो भी कानून बनाएगी, जो भी नियम बनाएगी, वो जो है उसका पुनर्विलोकन नहीं हो सकता है, न्यायिक रिव्यू नहीं हो सकता है। तो इसमें जो है ये मैटर आया 42वें संविधान संशोधन में। और अगला संशोधन जो था वो क्या था, अगला संशोधन नहीं कह सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की जो है निगरानी में जो कार्य किए गए वो मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, यानी मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, ये जो मैटर आया 1980 का, इसमें जो है क्या कहा गया, इस 1980 के मैटर में कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो न्यायिक पुनर्विलोकन की न्यायपालिका की शक्ति जो है वो क्या है, मूलभूत ढांचे के अंतर्गत आती है। यानी जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को सीमित किया गया था, यानी छेड़ किया गया था न्यायपालिका द्वारा, उसने मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के मैटर में जो है ये संवैधानिक ढांचे यानी मूल ढांचे की बात करते हुए मिनर्वा मिल्स मैटर में जो है न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है वो मूल ढांचे के अंतर्गत आती है, यानी संसद मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है, इस वजह से न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को सीमित नहीं कर सकती या छीण नहीं कर सकती है। इस मैटर में कहा गया कि न्यायपालिका की पुनर्विलोकन की शक्ति क्या है, मूल ढांचे के अंतर्गत आती है। तो इसलिए जो है इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है, यानी आप इसकी जो है शक्तियों को छीन नहीं सकते हैं या छीना नहीं जा सकता है, यानी संसद द्वारा इनके जो है अधिकारों को, न्यायिक पुनर्विलोकन के अधिकार को छीन नहीं किया जा सकता है या छीना नहीं जा सकता है। जो सर्वप्रथम विवाद, अब इसमें जो है मूल अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे, अब जो नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों से संबंधित विवादों का मैटर है, तो इसमें जो है सर्वोच्चता की बात कही गई है, यानी जो मूल अधिकारों के सर्वोच्चता की बात कही गई है, तो मूल अधिकार या फिर जो है नीति निर्देशक तत्व कौन सर्वोच्च है, इन सब मैटरों पर जो विवाद आया, इसमें सबसे पहला मैटर आया था चंपाकम दुराईराजन बनाम मद्रास सरकार का। इसमें जो है मूल अधिकार तथा नीति निदेशक तत्व संबंधी विवाद, इस विवाद की बात करेंगे, तो इसमें सबसे पहले विवाद का मैटर जो आया था उसमें जो है एक सुप्रीम कोर्ट में केस दायर हुआ था चंपाकम दुराईराजन बनाम मद्रास सरकार। इस मैटर में क्या हुआ, 1950 का मैटर है ये आसपास, 51 के मैटर में जो है क्या किया कि जो है सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्वों पर प्रधानता रखते हैं, यानी इसमें कहा गया कि मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्वों पर प्रधानता रखते हैं। यानी यह कहा गया कि मूल अधिकारों को इसमें जो है श्रेष्ठ माना गया, यानी मूल अधिकारों को जो नीति निर्देशक तत्व है उस पर
प्रधानता स्पष्ट की गई, क्योंकि अनुच्छेद 37 के द्वारा यह स्पष्ट कहा गया है कि नीति निदेशक तत्वों को अपरिवर्तनीय कहा गया है। यानी जो नीति निदेशक तत्व हैं, ये क्या हैं? अनुच्छेद 37 के अनुसार, अनुच्छेद 37 के अनुसार क्या है? अपरिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय। यानी जो नीति निदेशक तत्व हैं उनको जो है अनुच्छेद 37 के अनुसार स्पष्ट में जो है उसमें अपरिवर्तनीय कहा गया है। तो इसमें जो है 25वें, 29वें और 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो नीति निदेशक तत्वों को मूल अधिकार पर प्रधानता देने का प्रयास किया गया था, वो केशवानंद भारती के निर्णय के बाद इस विवाद को जो है समाप्त हो गया, या विवाद समाप्त हो गया। यानी जो अनुच्छेद जो है 37 के अनुसार 25वें, 29वें और 42वें संविधान संशोधन द्वारा 25वें, 24वें, 29वें तथा 42वें संविधान संशोधन में जो नीति निदेशक तत्व को मूल अधिकारों पर प्रधानता की बात थी उसे केशवानंद भारती के मैटर के बाद भारती के मामले के बाद समाप्त हो गया। अब ये मैटर नहीं रहा कि मूल अधिकार प्रधान है या नीति निदेशक तत्व प्रधान है। तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसने सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक टिप्पणी की कि मूल अधिकार तथा नीति निदेशक तत्व हमारे संविधान के अंतःकरण है। यानी मूल अधिकार, एक सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी हम लिख ही देते हैं इसको, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है जो है, इसमें एक चीज और छिपी हुई है। मूल अधिकार जो है वो मूल अधिकार तथा नीति निदेशक तत्व सुप्रीम कोर्ट, इसने क्या कहा, मूल अधिकार तथा नीति निदेशक तत्व हमारे संविधान के अंतःकरण। यानी जो है इसने कहा कि ये हमारे संविधान के क्या है, अंतःकरण है। मूल अधिकारों तथा नीति निदेशक तत्वों के बीच कोई विरोध नहीं है, वे एक दूसरे के पूरक है। यानी मूल अधिकार जो है तथा नीति निदेशक तत्व जो है में कोई विवाद नहीं है, अतः ये एक दूसरे के पूरक है। यानी इसने जो है पूरक की संज्ञा दे दी कि एक दूसरे के ये पूरक है। यानी बगैर एक दूसरे के जो है वो भारतीय संविधान पूरी नहीं हो सकती, यानी भारतीय संविधान जो है पूरा नहीं हो सकता है। और इसी जो इसमें जो केशवानंद भारती का मैटर था और इसी के निर्णय को, केशवानंद भारती के निर्णय को जो है युन्नी कृष्णन बनाम भारत सरकार 1993 के मामले में जो है इसकी पुष्टि की गई और इसी को जो है सही बताया गया। इसी के साथ लाइट चली गई है। अब इसके बाद जो है अगली क्लास होगी हम लोगों की, तब तक के लिए नमस्कार।